हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं आपको एक बोनस स्टॉक बताने वाला हूँ। कंपनी ने हाल ही में अपना बोनस अनाउंस किया है कि वो 2:5 रेशियो का बोनस देंगे। मींस अगर आपके पास कंपनी के 5 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर और बोनस के रूप में मिलेंगे। गाइस बोनस स्टॉक का ये बेनिफिट होता है कि जब स्टॉक स्प्लिट होता है, अगर वो मतलब जितना परसेंट डाउन होना था उतने से थोड़ा डाउन नहीं होता है, मतलब 5 या 10% का गैप रह जाता है, तो उतना आपको प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। ठीक है, और चलिए गाइस पहले हम फर्स्ट इसकी बैलेंस शीट रीड करेंगे और फिर इसका क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखेंगे। इस कंपनी की खास बात यह है कि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है और 25% होल्डिंग पब्लिक की है। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा रहती है दैट मीन्स कंपनी अच्छी है और आने वाले जो फ्यूचर में उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है, इसलिए प्रमोटर्स को यकीन होता है और वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेंगे। इसकी सेल्स देखते हैं, मार्च 2018 में थी 113 करोड़, देन मार्च 2019 में 260 करोड़, मार्च 2020 में 106 और मार्च 2021 में 103 करोड़। जो मार्च 2020 और 2021 में देखने को मिलेगी 2020-21 में, इसमें 3 करोड़ का डिफरेंस है, बट नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। मार्च 2020 में 14 करोड़ था, फिर 15 करोड़ हुआ, उससे पहले भी इंक्रीज़ हुआ है। देन क्वार्टर वाइज देख लेते हैं, जो साल का मतलब 4 क्वार्टर थे उसमें सेल्स का क्या हुआ है। जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें सेल थी 16 करोड़, देन 20 करोड़, फिर 26 करोड़, फिर 39 करोड़। सेल्स इंक्रीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट 2020 में था 3 करोड़ और उसके बाद मार्च में कितना है, 11.44, मतलब 11 करोड़ 44 लाख। ये 3 गुना इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मैं इसमें आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गाइस प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखोगे 2018 के बाद से लेके और मार्च यहाँ 21 तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.02% है, मतलब 74% होल्डिंग प्रोमोटर्स की है। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ मतलब प्रोमोटर्स की होल्डिंग कुछ डिक्रीज ही नहीं हुई, मतलब सेम की सेम है। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ी डिक्रीज होती आ रही है, मतलब प्रमोटर्स को बिलीव है कि कंपनी अच्छी है तो इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। अब उसका हम चार्ट दिखाते हैं मैं आपका। ये गाइस उसका चार्ट है, कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, साधना निट्रो कैम लिमिटेड। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 852 करोड़। करंट प्राइस क्या है, 61। और अब उसका चार्ट देखते हैं, ये 1 वीक का चार्ट है गाइस। और यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट इसने मतलब कौन सी डेट को अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया था, 26 अप्रैल 2021 को इसने अपने एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया था जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी आई है, फिर इसने अभी जो मतलब हाल ही का जो रेजिस्टेंस एरिया उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे 65 रुपये का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अभी इसका करंट प्राइस 61 रुपीज़ है। तो अगर आपने अभी से मतलब थोड़े थोड़े स्टॉक बाय किए तो आपको स्टॉक के प्रॉफिट के साथ बोनस स्टॉक भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग मतलब जितनी आपकी कैपिटल है उस अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बोनस के लिए, जो भी चाहता है कि उसे बोनस मिले। और आप भी गाइज पहले बैक टेस्टिंग कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज, थैंक यू।